हुआ है जो योर स्टोरी रैपर जो करता क्या है कि हम यहाँ पे कोई भी कंटेंट सर्च करेंगे वो मतलब जैसे हम यहाँ सर्च के लिए दिल्ली तो यहाँ पर मतलब इंफॉर्मेशन बताएगा हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन उसने स्टोर कर रखी है और स्टोरी स्क्रैपर ने वो सब हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिखाएगा। तो हमारा काम क्या है कि हम जितनी भी इंफॉर्मेशन है सबको हम यहाँ पर स्क्रैप करना चाहते हैं, उसका डेट और टाइटल, लिंक और किस टाइप की मतलब वो इंफॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पर स्टोरीज और मतलब कि यहाँ देखिए ज़्यादातर न्यूज़ अपडेट्स भी, तो यहाँ पर उसका टाइप भी सेव करेंगे हम। हाँ तो हमने उसके लिए वेरिएबल्स बना लिया है डेट टाइटल लिंक टाइप, तो हमने फिर यहाँ पर इसको सेव कर लिया है। तो हमने यहाँ मैंने यहाँ पर इसकी ट्रेनिंग पहले से ही करवा ली है, इसकी ट्रेनिंग वही रिपीट बिगिन जैसी है जो कि मैंने आपको कई वीडियोस में बता रखा है, तो इस वीडियो में मैं वो चीज़ रिपीट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यूआरएल खोला है इसका और फिर यहाँ पर सर्च किया है और फिर यहाँ पर टाइप किया है, की प्रेस आ गया। यहाँ पर एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर ये की प्रेस मतलब कुछ लिखते ही यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे कि आप देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर हैदराबाद लिखा, हैदराबाद यहाँ पर देखो हमें एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हैदराबाद से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है योर स्टोरी के पास उसने सब यहाँ पर शो कर दी। तो फिर हमने जब भी मतलब इंफॉर्मेशन शो कर दी फिर हमने स्टैटिस्टिक लगाया, तो स्टैटिस्टिक से फ़ायदा ये हुआ कि हम स्टैटिस्टिक लगाएंगे जो भी इंफॉर्मेशन हमें सेव करनी है सारी इंफॉर्मेशन लोड हो सके। फिर हमने रिपीट बिगिन लगाया है सब इन्फॉर्मेशन हमने सेव करने के लिए, फिर हमने सेव कराया है देखिए, फिर हमने डेट सेव किया है यहाँ पर दिख रहा है, विल स्क्रैप टेक्स्ट ऑफ सेलेक्टेड एलिमेंट सेव टू वेरिएबल टाइप, मतलब राइट डेट पर राइट क्लिक करके डेट वेरिएबल में सेव कर देंगे। ऐसे ही हमने सेव लिंक सेव करवाया है, ऐसे ही हमने टाइप पे क्लिक किया है यहाँ पर जो भी है वो हमने सेव करवाया है। फिर हमने इसकी ट्रेनिंग स्टॉप कर दी है, मैं आपको यहाँ पर एक बार रन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर सर्च किया हैदराबाद, ये देखिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसका डेट, इसका लिंक, इसका टाइटल, जैसे ये 13 साल की जो उम्र वाला दिख रहा है, और यहाँ पर टाइप जो प्रेरणा है इसमें प्रेरणा आ गई, और दूसरा वाला मैं दिखा देता हूँ आपको, दूसरे वाले की भी इंफॉर्मेशन, इसमें डेट सेव किया है, टाइटल सेव किया है, यहाँ देखिए जैसे दिल से लिखा हुआ है ये भी आ गया यहाँ पर, और ये देखिए, और फिर यहाँ पर अंगारेस नो रिलीजन वाला टाइटल जो है यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पर ये भी दिख रहा है किस डेट को ये पोस्ट हुआ है वो भी दिख रहा है 7/7/2021, और इंस्पायरेशन और मतलब कि ये इंस्पायरेशन यहाँ पर टाइप में लिखा हुआ है वो भी ये दिख रहा है इसमें। तो ऐसे ही हम करेंगे, बट हम यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, बट हम यहाँ पर गूगल शीट से इनपुट लेंगे। गूगल शीट में एक रो है वहाँ पर मतलब कॉलम है, वहाँ पर जितने भी कीवर्ड हैं उन सबसे हम वो कीवर्ड सर्च करेंगे यहाँ पर सर्च वाले बॉक्स में। तो हमने यहाँ पर एक हमने गूगल शीट लिया है, हम कॉपी करेंगे, देखिए हमने यहाँ पर एक गूगल शीट लिया है, सबसे पहले वो दिल्ली सर्च करेगा, मुंबई सर्च करेगा, चंडीगढ़, भोपाल, इंदौर, हैदराबाद सर्च करेगा, और उनसे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन स्क्रैप कर रहा है सबको वो सेव कर देगा। बट यहाँ पर हम उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन मिले मतलब आएंगे, तो उसके लिए हम सब इंफॉर्मेशन हमें स्क्रैप करने के लिए हमें रिपीट बिगिन लगाना पड़ेगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया रिपीट बिगिन में मतलब एक अलग एक्सेल शीट बनती है जहाँ पर उसकी इन सब कीवर्ड्स की इंफॉर्मेशन सेव होगी जो उनके सर्च रिजल्ट्स होंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि, और मैं आपको ये बात बताना भूल गया था कि ये पर जहाँ इस वाले जैसे हमने एक्सेल शीट बनाया हुआ है तो इस वाले एक्सेल शीट में इसको हम एक्सेस देंगे ताकि इसको
कोई भी इसे एक्सेस कर ले। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एनी वन विद द लिंक आ गया है, फिर यहाँ पर हम डन कर देंगे। इससे क्या होगा, इस गूगल शीट को कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो ये एनी वन विद द लिंक करना मतलब ज़रूरी है। हमने ये सारे लिंक को यहाँ से कॉपी किया, और जो हमने योर स्टोरी स्क्रैपर वाला बॉट बनाया हुआ है यहाँ पर हम उसको इस वाले लिंक को पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल प्लस वी, हमने यहाँ इसे पेस्ट पर लिंक कर दिया है। अब ये देखिए जितने भी जैसे डेट वाला लेफ्ट वाले जितने भी ये यहाँ पर दिख रहे हैं वेरिएबल्स कॉलम्स में, वो सब इस गूगल शीट के हैं। राइट वाले सब मतलब कि उस वाले आउटपुट वेरिएबल्स के हैं। ये देखिए सबकी मैपिंग सबके साथ हो गई है। ये आउटपुट वेरिएबल्स यहाँ पर आउटपुट दिख रहा है, और ये इनपुट वेरिएबल्स था जो कि यहाँ वाला इनपुट लेगा, और जो बॉट की जो सर्च स्टोरीज वाली जो इनपुट बनी हुई है इनपुट वेरिएबल में, वहाँ पर ये आई दिखा रहा है, उसके साथ इसकी मैपिंग हो जाएगी। इसको भी हम सेव कर देंगे। और यहाँ पर देखिए ये जितने वेरिएबल्स हैं सब दिख रहे हैं, इनपुट वेरिएबल्स गूगल शीट मतलब कि इसमें दिख रहे हैं गूगल शीट में। सर्च स्टोरी से इनपुट वेरिएबल है, और ये यहाँ पर ये जितने भी ये डेट टाइटल लिंक टाइप ये सब आउटपुट वेरिएबल्स है, बट यहाँ पर ये इनपुट वेरिएबल्स वाले बॉक्स में शो हो रहे हैं। अब हम इस बॉट को रन करने जा रहे हैं। ये देखिए उसने वहां से कीवर्ड लिया, सबसे पहला कीवर्ड लिया उसने, सर्च कर दिया, और उसकी जितने भी ये सर्च रिजल्ट वाले मिल रहे हैं सबको वो स्क्रैप करेगा। दूसरा कीवर्ड वहां था मुंबई, यहाँ पर देखो उसने इंदौर सर्च कर दिया। यहाँ पर इसने हैदराबाद सर्च कर दिया उसकी इंफॉर्मेशन स्क्रैप करने के लिए। आई थिंक पूरा हो चुका है रन। अब हम उस शीट को देखना चाहेंगे, गूगल शीट को। ये देखिए यहाँ पर एक आउटपुट वेरिएबल वाला आउटपुट शीट बन गया है, आउटपुट वाला वहाँ पर देखिए सबका। यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेशन उसने स्क्रैप करके, सबसे पहले दिल्ली का उसने इन्फॉर्मेशन स्क्रैप करा, दिल्ली कीवर्ड सर्च करा था, और जितनी भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही थी वहाँ पर इसने ये इसका टाइटल यहाँ देखो टाइटल यहाँ उसने सेव कर दिया गूगल शीट में, और डेट लिंक और टाइप किस टाइप का है वो यहाँ देखो दिलचस्प यहाँ पर स्टोरीज लिखा हुआ आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर मुंबई का उसने सर्च किया, यहाँ पर ये देखिए इसने इसका सर्च किया भोपाल का, यहाँ पर इसने इंदौर का, यहाँ पर इसने हैदराबाद का।